हो जाएगी। 500 रुपये मोबाइल फ़ोन इंटरनेट चार्ज के रूप में देने का भी फैसला किया गया है। इस तरह वर्कर्स को 10,178 रुपये मासिक मिलेंगे, हेल्पर्स 2500 से बढ़कर 4839 रुपये और 250 रुपये मोबाइल के जोड़कर हेल्पर्स को 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। इससे जो है करीब 22,000 जो है हेल्पर्स को वर्कर्स को जो है फ़ायदा होने वाला है। और जो ताज़ा अपडेट आई थी वो हमने आपको बताई, दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला लिया जा सकता है, लिया जा सकता नहीं आपको बता दें, मोहर लग गई लगभग, ये होना ही होना है और 10 से 15 दिन में जो है इसकी कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा हाल नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तुरंत एक्शन होता है, रिएक्शन का एक्शन होता है और फैसले होते हैं। मैंने ये देखा है कि योगी सरकार को इतना जगाने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है भाई आपने ऐलान किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो अभी तक ऐलान जमीनी स्तर पर नहीं हुआ, लागू क्यों नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, दिल्ली में जितना कहा जाता है उतना तो संभवता दिल्ली की सरकार जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें अमली जामा पहनाने का काम करती है और ऐसे प्रदर्शन करने की नौबत भी बहुत कम आती है। दिल्ली में भी प्रदर्शन होते हैं, ऐसा नहीं प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन दिल्ली में बहुत कम जो है प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप योगी वर्सेज केजरीवाल, योगी सरकार को आप कितना वोट देंगे, 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे और केजरीवाल को कितना नंबर देना चाहेंगे? 5 में से 4, 3, 2, 1 या फिर 5, कितने नंबर आप योगी सरकार के काम को लेकर देंगे और केजरीवाल सरकार के काम को लेकर 5 में से कितने नंबर देंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, योगी बराबर 4, 3, 2, 5 जितने भी नंबर आप दें, केजरीवाल बराबर जितने भी नंबर आप दें। तो इससे पता चल जाएगा कि आप लोग किसको समर्थन करते हैं और किसके कार्य से आप लोग जो है ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, ये जरूर लिखिए कि आप योगी सरकार को दे रहे हैं या फिर केजरीवाल सरकार को नंबर दे रहे हैं, ये कमेंट में लिखिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा की जींद से निकल कर आ रही है, यहाँ पर देखिए 200 आंगनबाड़ी कर्मियों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। देखिए हरियाणा में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस समय प्ले स्कूल को काफ़ी जो है मोडी मतलब जो केंद्र है उनको मॉडिफाई करके प्ले स्कूल में तब्दील किया जा रहा है और हरियाणा सरकार काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रही है। हरियाणा सरकार, हरियाणा आपको बता दें एक ऐसा स्टेट है जो काफ़ी डेवलप है और अन्य अगर राज्यों की तुलना की जाए तो काफ़ी डेवलप है। और आपको मालूम है गुड़गांव इसी राज्य में पड़ता है और गुड़गांव काफ़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा और काफ़ी डेवलप है। और हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो है बेरोजगारों को लेकर एक योजना शुरू की है कि अगले 2-3 सालों में कोई भी हरियाणा में जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वो प्राइवेट तौर पर नौकरी कर रहा हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, लेकिन बेरोजगारी की दर जो है जीरो करना है अगले 3 से 4 सालों में हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है, यानी कि सबको रोजगार देंगे। देखते हैं क्या होता है 3 से 4 सालों में। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर निकल कर आ रही जींद से, यहाँ पर 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा और प्रस्ताव जो सरकार को भेजा गया है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी जो है इन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश के 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने का डिसीजन कर लिया है और DRDA के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य यह योजना जो है शुरू कर दी गई है। जिले में इस योजना को तेज़ी से परवान चढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं और इस पर काम भी हो रहा है तेज़ी से। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंटों को भी हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को सवाल भी लेने, काफ़ी देर से सवाल भी नहीं लिए और आप लोग भी काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, और किसी को कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। और नगला पारसी, हेलो स्वागत है आपका, मयंक यादव हमारे जुड़ गए भाई। ये मोबाइल, देखिए मोबाइल के बारे में आपको बता दूं कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सितंबर तक कम से कम वेट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो पाएगा। अब यहाँ पर एक मैसेज मुझे प्राप्त हो रहा है, सुखदा मौर्या, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। प्रेम शिला यादव, अंबेडकर नगर में मेरिट लिस्ट कब लगेगी? अंबेडकर नगर की मेरिट लिस्ट में अभी काफ़ी समय है। हाँ, मेरिट लिस्ट का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं, कल एक आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश के तहत अधिकारियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप कई जनपदों की मेरिट लिस्ट जो पेंडिंग पड़ी है 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए। दरअसल कल आपको बता दें एक लेटर जारी हुआ, इस लेटर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 42 जनपद हैं जो जहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हो गए हैं उनमें चयन की कार्रवाई जो है 2 अगस्त 2021 तक पूरी कर ली जाए। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कहां कहां विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं उसको समझ लीजिए, और जहां पे 33 जनपद ऐसे जहां पर विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुए सितंबर तक जो है वहां पर कार्रवाई भी पूरी कर ली जाए, इसके निर्देश आ चुके हैं। तो अगस्त माह तक कौन कौन से जनपद जहां पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सुन लीजिए आप लोग। मैं बता दूँ ऑफिशियली जानकारी के अनुसार आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बारामूकी, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद,
प्रतापगढ़, महाप्रयागराज, रामपुर, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, सुल्तानपुर, सोनभद्र, सीतापुर, शामली, वाराणसी, झांसी और चित्रकूट जनपद, जहां पर आपको बता दें एडवर्टाइज निकल चुका है, मेरिट लिस्ट नहीं निकली है। तो निर्देश जारी किए गए अगस्त में, यानी कि इसी माह के अंत तक जो है सभी कुछ क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये आदेश आ चुके हैं। एक मिनट रुकिए है।